कांग्रेस अपने संगठनात्मक आधार को मजबूत करने में लगी हुई है। पार्टी ने मध्य प्रदेश में 2 अक्टूबर से अब तक 7000 गांधी चौपाल आयोजित की है। ये चौपाल छोटे छोटे मजरे टोला से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों और शहर के वार्डों तक में आयोजित की गई हैं। इन चौपालों के माध्यम से प्रदेश की वास्तविक स्थिति सामने आ रही है। कांग्रेस का कहना है 18 साल के कुशासन में किस तरह से जनता दमन शोषण और गरीबी का शिकार हुई है यह भुलाया नहीं जा सकता। प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष और गांधी चौपाल के प्रदेश प्रभारी भूपेन गुप्ता ने बताया कि आगामी 15 नवंबर को छिंदवाड़ा के शिकारपुरा में गांधी चौपाल आयोजित की जाएगी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ शामिल रहेंगे। गुप्ता ने यह भी बताया कि छिंदवाड़ा जिले में एक ही दिन में एक साथ अलग अलग समन्वयकों ने एक ही दिन में 54 गांधी चौपाल लगाने का रिकॉर्ड कायम किया है। प्रदेश में ग्वालियर, इंदौर, रीवा सहित कई जिलों में सर्वाधिक चौपालें आयोजित हुई हैं। उन्होंने बताया कि चौपालों के माध्यम से जो जानकारियां सामने आ रही हैं वे चौंकाने वाली हैं। कई जिलों में टापुओं पर नागरिक बसाहटे हैं, गांव जाने के लिए नाव से जाना पड़ता है और नाव से उतरने के बाद भी 2-2 किलोमीटर ऊपर पहाड़ चढ़ना पड़ता है। देखिए, गांधी चौपाल करीब 7000 गांधी चौपालें लग चुकी हैं, गांव-गांव में गांधी चौपालें लग रही हैं। और आपको ये बताने में मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि छिंदवाड़ा में एक दिन में 54 चौपालें आयोजित हुई हैं, ये एक रिकॉर्ड कायम हुआ है। और 15 नवंबर को आदरणीय कमलनाथ जी जो है इस चौपाल में शामिल होंगे छिंदवाड़ा में, और ये चौपालें वहाँ पर लगाई जाएंगी। आज ऐसे ऐसे रिमोट क्षेत्रों में भी जहाँ पर आबादी कम है वहाँ पर भी चौपालें लग रही हैं, और चौपालों के माध्यम से हमारे पास जो डाटा आ रहा है, जिस तरह की समस्याएं प्रदेश में हैं वो बहुत ही व्यापक हैं। भूपेन गुप्ता ने कहा कि प्रदेश के ज्यादातर सीमावर्ती इलाके पलायन की समस्या से ग्रसित हैं। कई गांव में बुजुर्ग महिलाओं के अलावा कोई भी नहीं मिलता, सारे पुरुष गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मुंबई काम की तलाश में पलायन कर रहे हैं। प्रदेश में मनरेगा या अन्य कोई योजना उन्हें संतोषजनक काम देने में असफल हुई है। कई गांव में बिजली नहीं है, पीने के पानी के लिए मीलों दूर जाना पड़ता है। डॉक्टरों की उपलब्धता ग्रामीण क्षेत्रों में कभी कभी भगवान के वरदान की तरह मिल पाती है। गुप्ता ने कहा, हैरान करने वाली बात है कि पीने का पानी, बिजली और अधिकृत राशन तो नहीं पहुंचा, लेकिन नशा गांव-गांव तक पहुंच गया है। बेरोजगार नशे के चपेट में है, महंगाई विस्फोटक है। गुप्ता ने कहा कि चौपालों के माध्यम से आने वाली समस्याओं की जानकारी प्रदेश की जनता को 2023 में प्रमाण सहित दी जाएगी। लगभग 3000 चौपाल समन्वयक निरंतर गांव से जनसंपर्क को सतत बनाए हुए हैं। मतलब ऐसी समस्याएं आ रही हैं सामने जानकारियों में कि जिनकी समस्याओं के लिए आप केवल या तो हंस सकते हैं या अपना सर पीट सकते हैं, और ये 18 साल का कुशासन केवल खामोश बना हुआ है। वकीलों को जो है गुहार लगानी पड़ रही है, जो वकीलों के पास लोग न्याय मांगने के लिए व्यवस्था करने जाते हैं, आजकल वकीलों को जो है न्याय मांगना पड़ता है और वो सीएम हेल्पलाइन में अपनी शिकायतें दर्ज करवाते हैं। ऐसे प्रकरण सामने आ रहे हैं, पीने का पानी नहीं है, लोग आज भी मीलों जो दूर जाकर पानी उन्हें भरना पड़ता है, पलायन की अवस्था है, आज जो खाद्यान्न है लोगों को नहीं मिल रहा है। हम अभी पहाड़ी बुजुर्ग में हमने एक चौपाल की थी, वहाँ पर लोगों ने बताया कि 6 महीने से उन्हें गेहूं नहीं मिला है। ये स्थिति सामने आ रही है, और मध्य प्रदेश ने टॉप किया है गेहूं के निर्यात में, तो क्या हम विदेशियों के लिए गेहूं पैदा कर रहे हैं? ये बहुत सारी समस्याएं चौपालों के माध्यम से सामने आ रही हैं, जिनका खुलासा हम 2023 के चुनाव में करेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।